सो गाइस, आई होप यू आर फाइन। टुडेज ईद थर्ड डे, आज ईद का तीसरा दिन है और मैं आया हूँ आसिफ के पास। आसिफ से मिलूँगा और फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से थोड़ी देर में निकल लेंगे अपने पिकनिक पॉइंट की तरफ। आसिफ, आई एम हियर। मुबारक ईद मुबारक। कैसे फिगर से तबियत सही है? ईद कैसे गुजरी? शाम कैसे? फिगर से ऊपर काम कैसे चल रहे? अच्छा जी भाई, ये मेरे बिग साइड पे जो आप लोग देख रहे हैं कैद आज़म पार्क है। यहाँ पहले भी कई दफ़ा हम आ चुके हैं और वीडियो भी बना चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज ऑफ कोविड-19। जितने भी तफरीही मकाम है वो सिंध में बंद है, स्पेशल कराची में। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, रुक के चले जा रहे हैं, फैमिली जा रही है, लेकिन पार्क बंद है तो क्या हुआ, पहले तो मास्क हटाएं। अच्छा, ये इस क़ायद-ए-आज़म पार्क के इस साइड पे स्टील टाउन के अंदर वाला एरिया है। बिल्कुल हरियाली, दरख्त, बहुत बेहतरीन। ऐसे लग रहा है कि हम बस अपने गांव आए हैं। तो आज का दिन हमारे यहाँ रहेगा, फोटोग्राफी करेंगे और कुछ वीडियोज़ भी बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो आसिफ भाई को बैग ने बहुत तंग किया तो उसने बैग को ऊपर लटकाया। आजकल जो है कराची में सारे पिकनिक पॉइंट बंद है कोविड की वजह से, और यहाँ आप आ सकते हैं स्टील टाउन के अंदर। सो खूबसूरत भी बहुत है, सुकून भी है और हरियाली। पार्कों से मुझे तो इस तरह जगह में मुझे पार्कों से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप दीरवी टीवी से मुखातिब हो और जन्नत दीरवी आपको रिपोर्टिंग कर रहा है। मेरे बैक साइड में जो दरख्त मौजूद है ये 120 साल पुराने दरख्त है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है। 120 साल पाकिस्तान का बता जो भी है, लेकिन आप आगे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग दरख्त है स्टील टाउन के अंदर और एक फ्रेंडली माहौल है, आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little happy। अच्छा जी, वहाँ जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आया, कहा कि भाई यहाँ पे शूट करना अलाउ नहीं है, आप आगे जाइए, स्टेडियम है और वहाँ भी बहुत खूबसूरत लोकेशन है। तो वाकई हम यहाँ आए। ये मेरे बैक साइड में जो है ये फुटबॉल का ग्राउंड है और अभी जो हम ऊपर चढ़ रहा है इस साइड में जो है क्रिकेट का स्टेडियम है। स्ट्रीट टाउन के अंदर ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। स्टेडियम ये जैसे कि हेल्थ पार्क किसी ने कराची में देखा हो, ऊंची से जगह पे है, तो ये भी इस तरह ऊंची जगह पे स्टेडियम भी है। फाइनली मैं एंटर हो गया। ये यूनस खान स्टेडियम है स्टील टाउन के अंदर, बहुत मतलब खूबसूरत बना हुआ है। ये आपको शायद उल्टा नज़र आएगा। इसका वजह यह है कि कैमरा मैंने यू पकड़ा है। मरगला, हाँ मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मरगला क्यों लिखा है। मरगला के पहाड़ों से ये मैच करने का कोशिश हो रही है या वैसे कुछ नेम है, लेकिन अलबत्ता स्टेडियम जो है बिल्कुल फैंटास्टिक जगह में है। हिते पांजा संगति दोस्त मानू असा पान में डाडा खिल भोग कंदा आहियूं और वड़ा सुठा सुठा हिते मानू घूमन पिया असा वांगुर। भाई सिंधी भाई ने जो भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वड़ा सुठा, ये वड़ा सुठा का क्या मतलब है भाई बताइए। वेरी गुड। अच्छा वड्डा सुट्टा मतलब वेरी गुड। वेरी गुड इसका मतलब है वड्डा सुट्टा। वेरी गुड ग्राउंड है, मजा आ रहा है। हाँ वेरी गुड। कहाँ से आए आप? जी हम लाड़काना से आए। लाड़काना शिकारपुर से भी नहीं है? नहीं शिकारपुर से नहीं, लाड़काना से। शिकारपुर में क्या है? खटान है। खटान मतलब? खटान मतलब अचार। अच्छा भाई लाड़काना से आए हैं, मजा आ रहा है। कैसा वड्डा सुट्टा ग्राउंड है? वड्डा सुट्टा ग्राउंड है, ॾाढा दिलचस्प नज़ारा है। अच्छा और सिंधी मानू ठीक है, खुश हो मानू, लशपश मानू, मीठा मानू, मिठा मानू, मीठा मानू। भाई बहुत ये कुछ ज़्यादा ही मीठा है, अल्लाह खैर करे। पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीना, बस हो या पार्क हो, क्योंकि लेडीज़ भी होती है बच्चे भी होते, तो लिहाजा सिगरेट से एहतियात करें। जज़ाकल्लाह। आज का दिन बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे आके स्टेडियम में वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की अभी वापसी कर रहे हैं। फोटोग्राफी बहुत अच्छी हुई और सुकून मिल गया। सारे पार्क बन हैं, टूरिज़म प्लेस बन हैं, तो ये जगह जो है पिकनिक के लिए या आउटिंग के लिए बेस्ट है। नाउ डेज यू मे आल्सो कम हियर। टाटा फॉर नाउ।